बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हकीम लुकमान के हकीमाना अकवाल कुरान करीम में नकल किए गए हैं ताकि ताक़यामत तक आने वाले इंसान उनसे फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी खूब से खूब तर बना सकें। दोस्तों, हकीम लुकमान का नाम तो हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके नाम से कुरान करीम में एक सूरत नाजिल फरमाई है जिसकी क़यामत तक तिलावत होती रहेगी इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, इस सूरत की तलावत के बावजूद भी बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि हज़रत हकीम लुकमान कौन थे। याद रहे कि अल्लाह ताला ने उनके नसब, ख़ानदान और ज़माने के बारे में तो अपने कलाम में कोई ज़िक्र नहीं किया, लेकिन उनके हकीमाना अकवाल का ज़िक्र फरमाया है। अलबत्ता कदीम तारीख़ इस बात की गवाही देती है कि इस नाम का एक शख्स सरज़मीन अरब पर मौजूद था। अलबत्ता उनकी शख्सियत और नसब के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। एक रिवायत के मुताबिक वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे या खालाजाद भाई, जबकि दूसरी रिवायत से उनका हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का हम असर होना मालूम होता है। और अक्सर मौर्रखीन की राय है कि हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह अफ्रीकी नस्ल थे और अरब में उनकी आमद बहसियत ग़ुलाम हुई थी। प्यारे दोस्तों, हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जमहूर उलमा का इत्तफाक़ है कि हकीम लुकमान नबी नहीं थे और ना ही उन पर वही नाजिल हुई, क्योंकि कुरान और हदीस में किसी भी जगह कोई ऐसा इशारा मौजूद नहीं जो हकीम लुकमान के नबी या रसूल होने पर दलालत करता हो। अगरचे अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को नबूवत अता नहीं की, मगर हिकमत व दानाई से वाफर हिस्सा दिया। रिवायात में आता है कि आप सूरत और शक्ल के एतबार से अच्छे नहीं थे, जैसा कि मशहूर ताबई हज़रत सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह ने एक हबशी से कहा था कि तू इस बात से दिलगीर ना हो कि तू काला हबशी है, इसलिए कि हबशियों में तीन आदमी दुनिया के बेहतरीन इंसान हुए हैं, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ग़ुलाम महज और हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह। इस रिवायत से मालूम होता है कि हकीम लुकमान हबशी थे। प्यारे दोस्तों, हकीम लुकमान के हालात ज़िंदगी और ज़माने में इख्तलाफ के बावजूद पूरी दुनिया उनको एक मशहूर शख्सियत तस्लीम करती है। जालियत के मुतअद्दिद शोरा ने भी उनका तज़किरा किया है। अलबत्ता उनकी हिकमत व दानाई की सबसे बड़ी दलील ये है कि अल्लाह ताला ने सूरह लुकमान में हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की उन कीमती नसीहतों का जिक्र फरमाया है जो उन्होंने अपने बेटे को मुखातिब करके बयान फरमाई थीं। याद रहे कि ये हकीमाना अकवाल अल्लाह ताला ने इसलिए कुरान करीम में नकल किए हैं ताकि क़यामत तक आने वाले इंसान उनसे फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी को खूब से खूब तर बना सकें और एक अच्छा मुआशरा वजूद में आ सके। आज की इस वीडियो में हम हज़रत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह की उन नसीहतों का तफसीलन तज़करा करेंगे जिनका ज़िक्र कुरान पाक में हुआ है और हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को मुखातिब करके ये नसीहतें फरमाई हैं। याद रहे कि ये नसीहतें असल में हज़रत लुकमान के बेटे के लिए ही नहीं हैं बल्कि हर दौर के नौजवान के लिए हैं और हर दौर के इंसानों के लिए हैं। प्यारे दोस्तों, नौजवानों का ख़ास तौर पर ज़िक्र इसलिए किया गया है क्योंकि नौजवान एक मुआशरे का असासा होते हैं और जवानी अल्लाह की तरफ से एक बेशकीमत नेमत है जिसकी कदर करना और सही रुख पर डालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर नौजवान इस वीडियो को लाजमी देखें और बाकी नौजवानों तक इस वीडियो को पहुंचाने की नीयत से वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, दुनिया की तारीख बताती है कि दीन हक की दावत में नौजवानों का बड़ा किरदार रहा है। कुरान मजीद में असहाब कहफ का तज़किरा मौजूद है जिनके दिलों ने ईमान की दौलत पाते ही हर तरह के नाजो नाम को छोड़कर शहरों, बियाबां और पहाड़ों का रुख किया, हुकूमत वक्त की साजिशों से बचने और अपने ईमान की दौलत को महफूज करने के लिए हिजरत का रास्ता इख्तियार किया, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इन नौजवानों की इन अल्फाज में तारीफ बयान फरमाई। हम आप पर उनका किस्सा बरहक बयान करते हैं कि ये चंद नौजवान अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने उन्हें हिदायत में तरक्की दी थी। याद रहे कि नौजवानी में किसी काम को करने का जज्बा, फलवला, किसी मामले को उरूज तक पहुंचाने की जुरत और किसी हादसे से मुकाबला करने की अजीम कुव्वत पाई जाती है। इल्म नफ्स के माहिरीन का कहना है कि नौजवानी का ये अरसा इस कदर नाजुक होता है कि उसे जो राह मिल जाए वो उसे अपना लेता है। कुरान मजीद की एक लंबी चौड़ी सूरत सूरह यूसुफ एक सालेह नौजवान की इस्मत व इफ़त और हिम्मत व जुरत की मिसाल कायम करती है जिसने पाकिजगी व इफ़त का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और पाक दामनी का रास्ता ही इख्तियार किया। नौजवानी के इस सुनहरे दौर की कदर व कीमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से वाज़े हो जाती है,
अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पांच चीज़ों से पहले पांच चीज़ों को गनीमत शुमार करो। अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले, अपनी मालदारी को अपनी तंगदस्ती से पहले, अपनी फरागत को अपनी मशगूलियत से पहले और अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले। प्यारे दोस्तों, इसीलिए बेहिसी और गफलत में घिरे आज के नौजवानों को गुमराही की दलदल से निकालना बेहद ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हिदायत की किताब कुरान मजीद में सिरात मुस्तकीम पर चलने की राह दिखाई है और सूरत लुकमान की सूरत में अल्लाह ताला ने हज़रत लुकमान की इन नसीहतों को नकल किया जो उन्होंने अपने बेटे को की थी। प्यारे दोस्तों, पहले भी जिक्र हो चुका कि ये नसीहतें दरअसल हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को की हैं, लेकिन कुरान में इसलिए बयान हुई हैं कि ये असल में पूरी इंसानियत के लिए हैं और ख़ास तौर पर नौजवानों को इन नसीहतों से सबक हासिल करने की और इन पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। याद रहे कि हज़रत लुकमान ने अपनी नसीहतों का आगाज़ तौहीद से किया और उन्हें चंद अखलाकी अमूर पर ख़त्म किया है। तो चलिए आपको कुरान और हदीस की रोशनी में इन नसीहतों की तफसील बताते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत लुकमान के अपने बेटे को सबसे पहली नसीहत तौहीद के हवाले से है, जैसा कि सूरह लुकमान में इरशाद है, ऐ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, बेशक शिर्क बड़ा भारी जुल्म है। दोस्तों, याद रहे कि इस्लाम की सबसे पहली और अहम तरीन तालीम तौहीद है। यही चीज़ मुस्लिम और मुशरिक के माबैन तफरीक कायम करती है। इसका इनकार करने वाला मुशरिक बन जाता है, जिसके लिए दुनिया और आखरत में जिल्लत और रुसवाई है। इसलिए हज़रत लुकमान ने सबसे पहले अपने नौजवान बेटे को शिर्क से रोका, क्योंकि शिर्क से एक खुदा की तरफ बगावत और उसकी हस्ती का इनकार लाजिम आता है और दूसरी तरफ शिर्क करने वाला खुद अपनी पेशानी अपने जैसे या अपने से कमतर मखलूक के सामने झुकाकर जलील व ख़्वार करता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि तौहीद सबसे बड़ा इल्म है। तुम जिस कदर तहकीक और जस्तजू करोगे, तुमको यही मालूम होगा कि यही इल्म का सिरा भी है और इल्म की आखिरी हद भी। तबीयात, कीमिया, रियाजियात, हयातियात, हैवानात और इंसानियत, गर्ज कायनात की हकीकतों का खोज लगाने वाले जितने भी आलूम हैं, इनमें से खा कोई भी इल्म ले लो, इसकी तहकीक में तुम जिस कदर आगे बढ़ते जाओगे, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाकत तुम पर ज़्यादा खुलती जाएगी और इस पर तुम्हारा यकीन बढ़ता जाएगा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उम्मत मुसलमा के नौजवान अल्लाह की हकीकत और उसकी गहराई से वाकिफ ही नहीं। इसलिए आज बेशतर नौजवान पीरों फकीरों के दर की ठोकरें खाते हैं, रूहानी बाबा और माहिर नजूम की पैरवी करते हैं, जादू, मंत्र, अमलियात और ऐसे दीगर हथकंडों के ज़रिए अपने मसाइल के हल के लिए कोशां रहते हैं, मगर वो इसके बावजूद फलाह हासिल नहीं कर रहे, क्योंकि इसका सबब अल्लाह उसकी ज़ात सिफ़ात और यकताई पर उनके ईमान की कमज़ोरी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस कमज़ोरी का बयान इस तरह इरशाद फरमाया, और उन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए हैं कि शायद उनसे उसको मदद पहुंचे, मगर वो उनकी मदद की ताकत हरगिज़ नहीं रखते और वो उनकी फ़ौज होकर जाहिर किए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज इस बात की अशद ज़रूरत है कि मुसलमान नौजवान अकीदा तौहीद को अपने अंदर रासिख और जज़ब कर लें और कदम कदम पर अल्लाह की नुसरत व हमायत के तलबगार बनकर उसका अमली सबूत दें और ख़ुद को शिर्क से दूर रखें। मादा परस्ती के इस दौर में शिर्क की मुख्तलिफ सूरतें हैं जो हमारे मुआशरे में मौजूद हैं और ख़तरे की बात यह है कि इनको शिर्क समझा ही नहीं जाता। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ लोगो, अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसाकर तुम्हारे खाने के लिए फलों को निकाला, बस तुम अल्लाह के लिए शरीक ना बनाओ और तुम जानते हो। प्यारे दोस्तों, जदीद दौर के नौजवान तबके में इस बुनियादी अमर और हकीकत को वाज़े करना बेहद ज़रूरी है कि मुश्किल कुशा और हाजत रवा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस है। ज़हनी कशमकश और मसाइब का शिकार यह नौजवान तबका बुलंदोबाला और अजीम हस्ती को छोड़कर अपने जैसी मखलूकात से फरियाद करके ना सिर्फ शिर्क का मुर्तकिब होता है बल्कि रहमत इलाही से भी महरूम हो जाता है। शिर्क की संगीनी इस आयत से वाज़े हो जाती है। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला अपने साथ शरीक किए जाने को नहीं बख्शता
और उसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है, और जो अल्लाह के साथ शरीक मुकरर करे उसने बहुत बड़ा गुनाह और बहतान बांधा। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि शिर्क नाकाबिल माफी गुनाह है, इसलिए नौजवान को शुरू से ही शिर्क से इज्तनाब की तालीम देना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर हम अपनी बहनों को भी मुखातिब करते चलें कि ख़वातीन भी अकीदे के मामले में कमज़ोर होती हैं और सुनी सुनाई बातों में आकर शिर्क का इर्तकाब कर बैठती हैं, जाली पीरों के चक्रों में पड़ जाती हैं। खुदारा अपने आप को शिर्क से बचाएं, क्योंकि इसकी माफ़ी नहीं है। जैसा कि सूरह निसा की इस आयत में आपने मुलाहिजा किया है, प्यारे दोस्तों, ये था तज़किरा हज़रत लुकमान की अपने बेटे को की गई पहली नसीहत का। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को दूसरी नसीहत में फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, अगर कोई चीज़ राई के दाने बराबर हो, फिर वो भी खा किसी चट्टान में हो या आसमान में हो या ज़मीन में हो, उसे अल्लाह ताला ज़रूर लाएगा। अल्लाह ताला बड़ा बारीक बीन और ख़बीर है। इस नसीहत में हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को अल्लाह ताला की सिफात का अदराक करवाया है कि अल्लाह ताला की ज़ात बारीक बीन है और ख़बीर है, और इससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है और ना ही छुप सकती है। इस नसीहत में यह सबक है कि उम्मत मुसलमा के हर नौजवान और हर फर्द के इल्म में हो कि अल्लाह ताला उनके हर अमल से वाकिफ है। ये दरअसल अल्लाह ताला की हर जगह मौजूदगी का अदराक है कि कोई भी इंसान किसी भी हाल में अच्छा या बुरा अमल करे, वो अल्लाह ताला के इल्म से पोशीदा नहीं रह सकता। दिल में पैदा होने वाले ख्यालात, निगाहों की हरकत, आमाल, हकायक, हाल और मुस्तकबिल, तमाम चीज़ों का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास ही है। मखलूक इलाही अपने इर्द गिर्द चंद चीज़ों के अहवाल से ही बाखबर हो सकती है, मगर खुदाए बुजुर्ग बरतर के इख्तियारात की वसत और बड़ाई रूए ज़मीन की तमाम मखलूक और कायनात के जर्रे जर्रे पर मोहित है। हत्ता के पत्थर में पाया जाने वाला कीड़ा भी उसके इल्म से ओझल नहीं। जैसा कि एक और जगह पर अल्लाह ताला ने सूरह सबा में फरमाया, अल्लाह ताला से एक जर्रे के बराबर की चीज़ भी पोशीदा नहीं, ना आसमानों में ना ज़मीन में, बल्कि इससे भी छोटी और बड़ी हर चीज़ खुली किताब में मौजूद है। याद रहे कि इंसान की ज़िंदगी एक ऐसी फ़ाइल की तरह है जिसमें इंसानी ज़िंदगी के मरहलावार अमूर का रिकॉर्ड महफूज है। कोई भी अमल खा अच्छा हो या बुरा, वो लिखा जा रहा है। यूँ एक दिन अल्लाह की अदालत में फ़ाइल खुल जाएगी और हर तरह के अमल का हिसाब होगा। आज के दौर में नौजवानों की सरगर्मियाँ, दीन से दूरी, तख्लीक इंसान के मकसद से लापरवाही और कम्युनिस्ट मुलहिद मुआशरों की अंधी तकलीद की वजह से इस्लामी अकायद और तालीमात के बरक्स हैं। आज का नौजवान दरअसल उखरवी अंजाम से लापरवाही बरत रहा है, इसीलिए वो अल्लाह और रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में मुबतला है। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि दिल में अल्लाह का खौफ नहीं रहा और अल्लाह के मौजूद होने का एहसास नहीं रहा। याद रहे कि दिल में इस खौफ की मौजूदगी के अल्लाह ताला हमारे हर अमल को देख रहा है, अल्लाह की रज़ा के हसूल की जानिब कशिश को बढ़ाता है और गुनाहों से बेरग़बती पैदा करता है। उम्मत मुसलमा के नौजवानों को ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि ज़िंदगी से लेकर मौत तक, तन्हाई से हजूम तक और ज़िंदगी के तमाम मामलात का कामिल इल्म अल्लाह ताला को हासिल है। जैसा कि कुरान मजीद की सूरह नबा में अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने हर एक चीज़ को लिख कर शुमार कर रखा है। प्यारे दोस्तों, मगरबी दुनिया के ज़ेर असर हालात ने जिस कदर तेज़ी से करवट बदली, उससे नौजवानों के ज़ाहिर व बातिन बुरी तरह मुतासर हुए हैं, और यूं उनकी ज़हनी, तालीमी, फ़िक्री और इस्लाही कारकर्दगी मफलूज होकर रह गई है। अब ये वक्त मस्बत रुझानात की तामीर और मुफीद रवैयों की तश्कील का है, ताकि उम्मत मुसलमा के ये नौजवान अमले खैर के रास्ते की तरफ गामजन हों। जब इंसान नेकी या बदी के लिए सफ़र करता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो कदमों के निशानात भी लिखे जाते हैं। जैसे कि अहद रसालत में मस्जिद नबी के करीब कुछ जगह खाली थी, तो बनू सलमा ने उधर मुंतकिल होने का इरादा किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात आई, तो आपने उन्हें मस्जिद के करीब मुंतकिल होने से रोक दिया और फरमाया, तुम्हारे घर अगरचे दूर हैं, वहीं रहो, जितने कदम तुम चलकर आते हो वो लिखे जाते हैं। और सूरह यासीन में उसको इस तरह बयान फरमाया, बेशक हम मुर्दों को ज़िंदा करेंगे और हम लिखते जाते हैं वो आमाल भी जिनको लोग आगे भेजते हैं, और उनके वो आमाल भी जिनको पीछे छोड़ जाते हैं,
और हमने हर चीज को एक वाज़े किताब में जब्त कर रखा है। प्यारे दोस्तों, अब ये इंसान पर मुनहसर है कि वो अपने आमालों के दफातर में क्या दर्ज कर रहा है। कल को ज़र्रा बराबर नेकी भी और ज़र्रा बराबर बुराई भी इंसान के सामने आ जाएगी और उसकी खबर अल्लाह को अभी से है। आज का नौजवान और हर फर्द अगर इस नसीहत पर गौर कर ले और अपने दिलो दिमाग में इस नसीहत को बैठा ले कि अल्लाह की ज़ात देख रही है और ख़बर रखने वाली है और कल को मेरा हर अमल अल्लाह के सामने पेश होगा, तो फिर उसके लिए गुनाहों से दूर रहना आसान हो जाएगा। लेकिन अफसोस कि आज हमारा जो हाल है वो हमारे सामने है कि हम ऐसी बेबाकी से गुनाह करते हैं जैसे इसकी खबर अल्लाह को है ही नहीं। प्यारे दोस्तों, अगली नसीहत हज़रत लुकमान की अपने बेटे को नमाज के बारे में है। जैसा कि इरशाद है, ऐ मेरे प्यारे बेटे, नमाज कायम करो। प्यारे दोस्तों, नमाज एक नौजवान और एक इंसान की ज़िंदगी को सही रुख पर डालने के लिए बुनियादी किरदार अदा करती है। इसलिए इसको बचपन से ही नमाज का खोगर बनाना चाहिए, क्योंकि नमाज बंदे के इस्लाम और कुफर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ है। यही वजह है कि हज़रत लुकमान ने अपने प्यारे बेटे को अकामत सलात की तलकीन की। दोस्तों, याद रहे कि तौहीद के इकरार के बाद इबादत का दर्जा आता है। नमाज दीन इस्लाम का दूसरा रुकन है और कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया है। नमाज न सिर्फ फ़राइज़ का हिस्सा है, बल्कि मौजूदा हालात में भटके हुए नौजवानों के मसाइल, तनाव, डिप्रेशन, शिद्दत पसंदी, गम गुस्सा और इश्तियाल अंगेजी से नजात का हल भी है, क्योंकि इसमें सुकून है जिसकी आज की नौजवान नस्ल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने सुकून का माखज अपनी ज़ात को करार दिया है, इसीलिए सूरह ताहा में फरमाया, यानी मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। इसी तरह सूरह राद में फरमाया, अल्लाह की याद ही इत्मीनान कलब का बाइस है। प्यारे दोस्तों, नमाज के एक मानी करीब होने के हैं। गोया नमाज पंजगाना अदा करने वाला अल्लाह से करीब होता है। एक हदीस सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला सात किस्म के लोगों को क़यामत के दिन अपने साए में जगह देगा। उनमें से एक वो नौजवान है जिसने अल्लाह ताला की इबादत में परवरिश पाई। दोस्तों, याद रहे कि नौजवानी की कीमती दौर में वक्त से बड़ी कोई दौलत नहीं। नौजवानी की नमाज कुर्बत इलाही का जरिया और वक्त की पाबंदी पैदा करती है। जदीद दौर की अक्सरियत नमाज जैसी अहम इबादत और फ़र्ज से किनारा कश है, इसीलिए उनकी ज़िंदगी मुनज़्ज़म नहीं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद तलब करो। लेकिन मौजूदा मुआशरे में सब्र का तसव्वुर ही ख़त्म हो रहा है, कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है और नौजवान नमाज को छोड़कर दुनिया की भाग दौड़ में मसरूफ़ हैं। हालांकि अल्लाह फरमा रहा है कि सब्र और नमाज के साथ मेरी मदद तलब करो। दोस्तों, याद रहे कि नौजवानों में शिद्दत जज्बात की वजह से ज़्यादा जल्द बुराइयों में मुबतला होने का अंदेशा होता है और इसका हल भी नमाज है, क्योंकि नमाज नौजवान मुसलमानों को गैर अखलाकी सरगर्मियों और बेराहरवी से बाज रखती है। जैसा कि सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला ने फरमाया, नमाज कायम करो क्योंकि ये बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। प्यारे दोस्तों, मौजूदा दौर फितनों का दौर है, जिसमें एक तरफ इस्लाम मुखालिफ साजिशों का डटकर मुकाबला करना है और दूसरी तरफ नवाज़े शरीयत को अमल में लाना है। उम्मत मुसलमा के ये नौजवान अपने पुख्ता इरादों से इस अज़म में कामयाबी हासिल कर सकते हैं अगर वो हकीकी रहनुमा और रहबर अल्लाह ताला को मान लें और उसकी इबादत बजा लाएं। याद रहे कि दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी अल्लाह ताला ने नमाज में रखी है। नमाज में इंसान और मुसलमानों के तमाम मसाइल का हल है। नमाज इंसान को अल्लाह के साथ जोड़ती है और गाफिल होने से बचाती है। दिन में पांच नमाजों का मकसद यही है कि इंसान का ताल्लुक और राबता अपने रब के साथ जुड़ा रहे और वो अपने रब को भुलाकर ज़िंदगी ना बसर करे, बल्कि वो अपने अल्लाह को याद रखे ताकि वो भी अल्लाह की याद में रहे। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान और आज का नौजवान गाफिल हो चुका है। अजान होती है और परवाह नहीं होती। खुदारा अपने हाल पर रहम करें और नमाज की पाबंदी करें। नमाज से अपने मसाइल अल्लाह की ज़ात से हल करवाएं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि नमाज की अहमियत इस्लाम में ऐसी है जैसे बदन में सर की होती है। अब खुद ही सोच लें कि सर ही ना रहा तो बाकी बदन का हाल क्या होगा। अब खुद ही सोच लें कि नमाज ना पढ़कर हम अपने दीन के साथ क्या कर रहे हैं।
दोस्तों हजरत लुकमान के नसाह में अगली नसीहत ये है, और भलाई का हुक्म देते रहो और बुराई से रोकते रहो, यानी अपने बेटे को अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के फरीजे को सर अंजाम देने की नसीहत फरमाई। याद रहे कि भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना अहले हजीमत का काम है, वही माशरे तरक्की की मनाजिल तय करते हैं जिनमें बुराई और भलाई में तफरीक कायम रहे। प्यारे दोस्तों, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का फरीजा जहां मुआशरती इसलाह करता है, वहां इंसान में खुद भी बेदारी का एहसास उजागर करता है। मगर आज के मुसलमान और ख़ास तौर पर नौजवान तबके ने इस हुक्म को पसे पुश्त डाल दिया है, बल्कि मगरबी जहनीत के जेर असर इस अमर को समझ लिया है और इसकी आड़ में नौजवान अपने ऊपर लागू फ़राइज़ से भी दस्तबरदार हो रहे हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक बिल्कुल वाज़े है, जब तुम कोई बुराई देखो तो उसे अपने हाथ से रोक दो, अगर ऐसा ना कर सको तो ज़ुबान से रोक दो, और अगर ये भी ना कर सको तो दिल में बुरा जान लो, और ये ईमान का कम तर दर्जा है। प्यारे दोस्तों, जदीद दुनिया पर बेचैनी और इज़्तराब के जो बादल छाए हुए हैं और जिस तरह बुराइयों के कशाश से ये नौजवान मगलूब हैं, इसका नतीजा ये निकला है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो किसी मकसद और मानवीयत से यकसर महरूम हो गई है। याद रहे कि इस्लाम दीगर तमाम मज़ाहिब पर इसी वजह से फौकियत रखता है कि वो तमाम लोगों से मुनसिफाना सलूक करता है, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, बुराई को देखते ही उसे रोकना, और जो नस्बुल ऐन मुसलमान भूल चुके हैं उन्हें उस नस्बुल ऐन पर कायम रखना, यही हमारे मज़हब की तालीम है। अफसोस है कि हम अपने सामने कई तरह के गुनाह होते हुए देखते हैं, अल्लाह ताला की कई तरह की नाफरमानियाँ हमारे सामने हो रही होती हैं, लेकिन कोई भी उनको रोकने की ज़हमत नहीं करता। अपने इर्द गिर्द देखें, अपने घरों में देखें, तो मालूम होगा कि हकीकत यही है कि कोई भलाई का हुक्म नहीं देता और बुराई से नहीं रोकता। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम ज़रूर नेकी का हुक्म करो और ज़रूर बुराई से रोको, वरना करीब है कि अल्लाह ताला तुम पर अपनी तरफ से कोई अजाब भेज दे, फिर तुम उससे दुआएँ करोगे लेकिन वो कबूल नहीं की जाएंगी। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, मगर मामलात चाहे इनफरादी हों या इज्तमाई, बदी और इस्तबदाद के आगे डट जाना ही बाहिम्मत और पुरअज़म नौजवान की निशानी है। लेकिन अफसोस के हमारा मुआशरा अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर जैसे अहम फरीजे को भूल चुका है, और इसी वजह से हमारी नस्लें दीन से दूर हो रही हैं। आज जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो ये है कि आज का नौजवान गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता, क्योंकि उसको ये बताया ही नहीं जाता कि ये काम गुनाह का है। घरों में ऐसे बहुत से काम हो रहे होते हैं जो गुनाह में शामिल हैं, लेकिन इन कामों से कोई मना नहीं करता, जिसकी वजह से उन कामों को गुनाह ही नहीं समझा जाता। ये सख्त ख़तरे की बात है, क्योंकि इंसान तौबा तो उस गुनाह से करेगा जिसको गुनाह समझेगा, एक काम को वो गुनाह ही नहीं समझता तो वो उससे तौबा कैसे करेगा। अलबत्ता इस नसीहत की भी बड़ी अहमियत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि एक इंसान को दीन और दुनिया के अमूर की अंजामदही के वक्त मुसीबतों और परेशानियों से दोचार होना पड़ता है, इसलिए अकामत सलात और अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के बाद हज़रत लुकमान अपने नौजवान बेटे को सब्र की तलकीन करते हैं, जैसा कि सूरह लुकमान में इरशाद है, और जो मुसीबत तुम पर आ जाए सब्र करना, बेशक ये हजीमत के कामों में से है। दोस्तों, याद रहे कि सब्र मोमिन का हथियार है। नौजवानी की दहलीज को छूते ही एक नौजवान को अपनी ज़िंदगी के अनगिनत मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दरअसल सब्र आजमाइश की एक कड़ी है। कभी अल्लाह ताला इंसान को आजमाइश के लिए और कभी राह रास्त पर लाने के लिए उसे इम्तिहान में मुबतला करता है। वो वक्त इंसान के सब्र का होता है। सब्र इंसान के लिए हर हाल में उम्मीद का चराग है, जैसा कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम मदद मांगो सब्र और नमाज के साथ। दोस्तों, याद रहे कि साबित कदमी और सब्र बजाते खुद बहुत बड़ी मदद है, और अल्लाह से रुजू करने पर अल्लाह की मदद इस मामले में शामिल हाल हो जाती है। इस तरह इंसान तबाही से बच जाता है। नौजवानी शिद्दत जज्बात का नाम है, और जज्बात से मगलूब ये नौजवान अक्सर बेसब्री का मुजाहरा ज़्यादा करते हैं। शरई हदूद से तजावुज़, पैसा कमाने के शॉर्टकट रास्ते, फ्रॉड, डकैतियाँ और तालीमी मैदान में नाजायज़ ज़राए का इस्तेमाल, ये दरहकीकत बेसब्री की एक अमली किस्म है। उम्मत मुसलमा को पारा पारा करने में एक बड़ी वजह अदम बर्दाश्त है,
नफरत, अदावत, इंतकाम, लालच, हसद जैसी बुराइयों ने इन नौजवानों को बिगाड़ रखा है कि वो सब्र जैसी हजीमत को बददिली और कम हिम्मती गर्दानते हैं। हालांकि सब्र बहादुरी है, इसलिए सब्र की तलकीन के साथ हजरत लुकमान ने अपने बेटे से ये भी फरमाया कि ये बड़े ऊंचे कामों में से है। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला का फरमान है, और जो सब्र करे और कसूर माफ कर दे तो ये हिम्मत के कामों में से है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम का एक एक कारनामा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र इस्तकलाल और अज़्म इस्तकामत का शाहकार है, जिसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। मक्की दौर के 13 साल की आजमाइश से लेकर तमाम गजवात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र के अमली सबूत हैं, यहाँ तक कि इस्लाम का नफाज हो जाता है। दोस्तों, आज भी सब्र जैसी सिफत को अपनाकर नौजवानान दीन अपनी मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। इनफरादी मामलात के अलावा एक नौजवान जब दीन का रास्ता इख्तियार करता है तो उसे बहुत से मसाइब का सामना करना पड़ता है। कहीं तो सेकुलर मुआशरा और कहीं मौजूदा मुसलमानों का मुतजाद रवैया उसे फ़राइज़ की अदायगी से रोकता है। चुनाचे मुस्लिम नौजवान को सब्र इस्तकलाल और इस्तकामत में उस अजीम नौजवान सहाबी की मिसाल को सामने रखना चाहिए जो हबशी और ग़ुलाम थे। ये सहाबी हज़रत बिलाल थे, जो उमैया बिन खल्फ के ग़ुलाम थे। उमैया उनकी गर्दन में रस्सी डालकर लड़कों को दे देता और वो उन्हें मक्के के पहाड़ों में घुमाते फिरते थे, यहाँ तक कि गर्दन पर रस्सी का निशान पड़ जाता। खुद उमैया उन्हें बांध कर डंडे मारता था और चिलचिलाती धूप में जबरन बिठाए रखता था। खाना पानी भी ना देता, बल्कि भूखा प्यासा रखता था। और इससे भी बढ़कर जुल्म ये करता कि जब दोपहर को गर्मी शबाब पर होती तो मक्का के पथरीले कंकरों पर लेटाकर सीने पर भारी पत्थर रखवा देता, फिर कहता, खुदा की कसम तू इस तरह पड़ा रहेगा यहाँ तक के मर जाए या मोहम्मद के साथ कुफर करे। प्यारे दोस्तों, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हालत में भी फरमाते, अहद अहद। ये सख्तियाँ और मजालिम उनके सब्र इस्तकलाल में ज़रा बराबर भी लग्जश ना पैदा कर सके, बल्कि उनके अज़ाइम मज़ीद पुख्ता हो गए। अल्लाह ताला भी यही जज्बा पसंद करता है और सब्र करने वाले को बेहद नवाजता है, जैसा कि सूरह हूद में अल्लाह ताला ने फरमाया, और सब्र किए रहो कि अल्लाह ताला नेकोकारों का अजर ज़ाय नहीं करता। इसी तरह सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला ने फरमाया, सब्र करने वाले को बग़ैर हिसाब बदला दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, हर मुसलमान और हर नौजवान का शेवा होना चाहिए कि उन्हें किसी भी तरह की मुश्किल या मुसीबत पेश आए तो वो ज़ब्त नफ्स, साबित कदमी और सब्र से काम लें और अपने अल्लाह पर भरोसा रखें और अपने अल्लाह से मांगें, अल्लाह ताला ज़रूर राहें खोल देगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत लुकमान की अपने बेटे को जो अगली नसीहत है वो भी बहुत ही अहम है। ये नसीहत है किब्र व गुरूर से इज्तनाब के हवाले से। सूरह लुकमान में अल्लाह ताला का इरशाद है, और लोगों के सामने अपनी गाल ना फैला और ज़मीन पर इतरा कर ना चल, किसी तकब्बुर करने वाले और शेखी बिगाड़ने वाले को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। दोस्तों, याद रहे कि इंसान जब गुरूर का लिबादा ओढ़ ले तो तकब्बुर से उसकी गर्दन अकड़ जाती है, उसकी चाल में बनावट पैदा हो जाती है और नतीजा ये निकलता है कि वह तुर्श रवैया इख्तियार कर लेता है। ये अमूमन हमारे नौजवानों में ज़्यादा है और माशरे में फैले तबकाती निज़ाम ने उसको मज़ीद हवा दी है। यूं अमीर और गरीब, सरमायादार और मजदूर में एक तवील खलीज हायल हो गई है। इसका बराहे रास्त असर नई नस्ल पर हो रहा है। अयाशियों के नाम पर लुटाई जाने वाली दौलत, फैशन, नुमाइश और ख़ास तौर पर अपनी कम्यूनिटी में शोहरत और चर्चा करवाने में नौजवान अपना वक्त बर्बाद करते हैं। इस कशमकश के सबब नौजवान आजजाना रवैयों को छोड़कर तकब्बुर जैसी इखलाकी बुराइयों में मुबतला हैं। ज़िंदगी से मुतल्लिक बुनियादी नसीहतों के बाद हज़रत लुकमान ने अपने फ़र्जंद को गुरूर से इज्तनाब बरतने की तलकीन की। नीज़ ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स को पसंद नहीं फरमाता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह नमल में फरमाया, बेशक वो यानी अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। प्यारे दोस्तों, आर्जी आसाइशों को ज़ाती जागीर तस्लीम करके आज का नौजवान अपने बेजा तकब्बुर के सबब अल्लाह ताला से दूर होता जा रहा है और यूं अपनी ज़िंदगी के मकासद से बेपरवाह है। हज़रत लुकमान की इस इखलाकी नसीहत की दौरे जदीद के मुसलमानों को बेहद ज़रूरत है। नौजवानों में मोहब्बत, इत्तेहाद, अखुवत की कमी की बुनियादी वजह ये इखलाकी खामी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया,
जन्नत में वो शख्स नहीं जाएगा जिसके दिल में जरा सा भी किबर हो। इस पर एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर शख्स ये पसंद नहीं करता कि उसका लिबास और जूते अच्छे हों? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जमील है और जमाल को पसंद करता है। किब्र और तकब्बुर तो हक से सरकशी और लोगों की तहकीर यानी लोगों को जलील समझना है। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि अच्छा लिबास और अच्छा जूता पहनना मना नहीं है, बल्कि इसलिए पहनना मना है कि किसी दूसरे को छोटा साबित करे, ये मना है। किसी की तहकीर और तजलील करना मना है, और ये तकब्बुर में शामिल है जिससे बचना चाहिए। याद रहे कि इस्लाम तमाम मुसलमानों को बराबरी का दर्स देता है, जबकि तकब्बुर के नतीजे में इम्तियाज़ के दर्जे कायम होते हैं। अल्लाह के आजिज़ बंदे नरम रवैया इख्तियार करते हैं, वो शायस्ता और मौद्दब अंदाज अपनाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की तारीफ में कुरान मजीद की सूरह फुरकान में फरमाया, अल्लाह के बंदे ज़मीन पर वक़ार और सकूनत के साथ चलते हैं। हर मुसलमान को और हर नौजवान को चाहिए कि खुद अपना मुहासबा करे, और अगर उसको अपने अंदर से तकब्बुर और गुरूर की बू महसूस हो तो उसको चाहिए कि अपनी इस खामी को दूर करे, कहीं उसकी यह खामी उसको अल्लाह से दूर ना कर दे। याद रहे कि तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की ज़ात को जेब देता है। अगर तकब्बुर और गुरूर कोई अच्छी सिफत होती तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकब्बुर फरमाते कि उनको अल्लाह ताला ने मकाम व मर्तबा भी अता फरमाया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजजी को पसंद फरमाया। इसलिए मुसलमानों के लिए भी ज़रूरी है कि आजजी के साथ ज़िंदगी बसर करें। चलिए अब आपको हज़रत लुकमान की अगली नसीहत बताते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि माल दौलत, जाह मनसब और ताकत की वजह से बाज़ दफ़ा इंसान को किब्र गुरूर का रोग लग जाता है, जिसका इजहार उसकी चाल और आवाज़ के बदल जाने की सूरत में निकलता है। हज़रत लुकमान ने अपनी आखिरी नसीहत में चाल और आवाज़ में म्याना रवि की तलकीन फरमाई, जैसा कि सूरह लुकमान में इरशाद है, और अपनी रफ्तार में म्याना रवि इख्तियार कर और अपनी आवाज़ पस्त कर। यकीनन आवाज़ों में सबसे बदतर आवाज़ गधे की आवाज़ है। प्यारे दोस्तों, रफ्तार और आवाज़ के आदाब से मुरस्सा होने के बाद ही इंसान बेअदबी और बदअखलाकी की लानत से दूर रह सकता है, क्योंकि ये सब हैवानी सिफात हैं जो इंसान को इंसानियत से गिरा देती हैं। बदकिस्मती से ये अखलाकी बुराई भी नौजवानों में कसरत से पाई जाती है। हमारे नौजवान उजलत का शिकार हैं, अपनी वज़ाकता चाल ढाल में काफरों की रवश इख्तियार किए हुए हैं, जिसके बायस ना तो इखलाकी सिफात से मुजयन हैं और ना मुनज़्ज़म दिखाई देते हैं। इसलिए ना सिर्फ नौजवानों को अपनी रफ्तार में एतदाल बरतना चाहिए, बल्कि आवाज़ में बेअखलाकी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। वही कौम या गुरोह मुनज़्ज़म माना जाता है जो आला इखलाकी इकदार के हामिल हों। याद रहे कि इंसान अपनी सिफात ही की वजह से अशरफुल मखलूकात के दर्जे पर फाइज है, इसलिए बेअदब और बेरब्त आवाज़ बेहतर होती तो गधों की आवाज़ सबसे बदतर है। जबकि हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुर्ग़ की बांग सुनो तो अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगा करो, क्योंकि वो फ़रिश्ते को देख कर ये आवाज़ निकालता है, और जब गधे की आवाज़ सुनो तो शैतान से पनाह मांगा करो, क्योंकि वो शैतान को देख रहा होता है। और दोस्तों, सोचने की बात है कि हज़रत लुकमान ने इंसान की ऊंची आवाज़ को गधे की आवाज़ के साथ तशबीह दी है। मालूम हुआ कि इंसान का ऊंचा बोलना शैतान की वजह से है। इंसान को तो चाहिए कि वो अपनी आवाज़ को पस्त रखे और नरमी के साथ गुफ्तगू करे, और यही तालीमात हैं हमारे मज़हब की, और यही हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि नरमी के साथ गुफ्तगू की जाए। प्यारे दोस्तों, इस हवाले से ज़रा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। हज़रत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10 बरस रहे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि इन 10 बरसों में कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नहीं डांटा। एक वाक़या हज़रत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम से भेजा, मैं बच्चों के साथ खेल कूद में लग गया, इसके बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नहीं डांटा। अब हम अपने बारे में खुद ही सोच लें कि हमारा तर्ज अमल अपनी औलाद के साथ क्या है और मुआशरे में हमारा तर्ज अमल क्या है। दोस्तों, हर मुसलमान और हर नौजवान को चाहिए कि वो अपनी गुफ्तगू में और अपने चाल में म्याना रवि से काम ले। प्यारे दोस्तों, ये थी वो 7 नसीहतें जो कुरान करीम में हज़रत लुकमान की ज़ुबानी बयान की हैं। इस गुफ्तगू का खुलासा ये है कि नौजवान के लिए
पहली ताकीद तौहीद है। अल्लाह ताला पर ईमान लाने के बाद दूसरी अहम चीज़ अल्लाह ताला को गालिब व कादिर और बाखबर तस्लीम करना है, नीज़ उस पर तवक्कुल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अकायद के बाद नौजवानों में इबादात के शऊर उजागर करने और बिलखसूस हकूकुल्ला अदा करने के लिए नमाज की तलकीन की गई है। तौहीद अल्लाह ताला की बड़ाई से वाकिफ होने और इबादात की अदायगी के बाद एक नौजवान को मुआशरे की इस्लाह की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जिसके लिए अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर बहुत अहम है। इस फरीजे की अदायगी में पेश आने वाली मुश्किलात पर सब्र का हुक्म है। मुसलमानों में अखुवत, मोहब्बत और इखलाकी इकदार को परवान चढ़ाने के लिए तकब्बुर, आवाज़ो रफ्तार में बेढंगापन से दूर रहने की और हर हाल में सादगी, म्याना रवि और आजी इख्तियार करने की तलकीन की गई है। दोस्तों, ये हैं वो सात असूल जिन पर अमल करके आज के नौजवान और आज के मुसलमान अपनी उलझी हुई ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, कबल इसके कि रब्बुल आलमीन के सामने जवाबदेह होने का वक्त आ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी शख्स के कदम रोज़े क़यामत आगे ना उठ सकेंगे, यहाँ तक कि उससे पूछा जाए उसकी उम्र के बारे में, कहाँ सरफ़ की, उसके इल्म के बारे में कि उस पर कितना अमल किया, उसके माल के बारे में कि कहाँ से कमाया और किस में खर्च किया, और उसके जिस्म के बारे में कि कहाँ उसको खपाया। अब सवाल यह है कि आया आज का इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए इस बारे में कभी सोचता है कि उसने अल्लाह के सामने जाना है और अल्लाह को जवाब देना है? तो इस सवाल का जवाब नफी ही में सामने आएगा, क्योंकि आज के इंसान की और नौजवान की ज़िंदगी गफलत में बसर हो रही है। दुनिया को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारी जा रही है और आखिरत की किसी को फ़िक्र नहीं। खुदारा गफलत का लिबादा उतारें और फ़िक्र आखिरत करें। कुरान और हदीस में ज़िंदगी बसर करने के जो असूल अल्लाह और उसके रसूल ने बतलाए हैं, उन असूलों पर अपनी ज़िंदगी बसर करें ताकि दुनिया के साथ साथ आखिरत की कामयाबी भी हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, हज़रत लुकमान हकीम की अपने बेटे को नसीहत करने में वालदैन के लिए भी एक बड़ा सबक है। वो ये कि वालदैन का हक बनता है कि वो अपनी औलाद की तरबियत को अच्छे अंदाज से करे और अपनी औलाद को अच्छाई और बुराई के बारे में बताए, उनको शरीयत की बुनियादी तालीमात से आगाह करे, जिस तरह लुकमान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत फरमाई। इसी तरह तमाम वालदैन का भी हक बनता है कि वो अपनी औलाद को नसीहत करे। याद रहे कि औलाद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनियावी ज़िंदगी में रौनक बयान किया है। ये रौनक उसी वक्त है जब वालदैन की जानिब से अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते हुए बच्चों की सही नशोनुमा, दीनी और अखलाकी तरबियत की जाए और बचपन ही से उन्हें जेवर तालीम से आरास्ता किया जाए। प्यारे दोस्तों, यही वजह है कि फलाह इंसानियत के मज़हब इस्लाम में जहाँ वालदैन के हकूक़ को बयान किया गया है और औलाद को वालदैन की फर्मा बरदारी की तरगीब दी गई है, वहाँ वालदैन को औलाद की बेहतरीन तरबियत का भी हुक्म दिया गया है। इसलिए ज़रूरी है कि माँ बाप दोनों को, ख्वा वो बेटे हों या बेटियाँ, बिला तफरीक मोहब्बत करते हुए उनके हकूक अदा करें, बल्कि हर मामले की तरह औलाद की परवरिश और तरबियत के मामले में भी कुरान मजीद की रोशन तालीमात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई हासिल करना चाहिए। औलाद की तरबियत के बारे में हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि किसी बाप की तरफ से उसके बेटे के लिए सबसे बेहतर तोहफा ये है कि वो उसकी अच्छी तरबियत करे। दोस्तों, मालूम हुआ कि औलाद की अच्छी तरबियत करना वालदैन की ज़िम्मेदारी है और यही लुकमान हकीम की नसीहतों का माखज़ है। प्यारे दोस्तों, मज़कूरा सात नुकात के अलावा मुसलमानों को अपनी शख्सियत निखारने के लिए दर्ज ज़ैल अवामल का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। ये शरीयत मुताहरा की दीगर तालीमात से भी मालूम होते हैं। यहाँ पर तमाम मुसलमानों और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए चंद मजीद तजावीज़ पेश करते हैं। ये तजावीज़ मुलाहिज़ा फरमाएं। नौजवानों को चाहिए कि वो मकसद हयात को पहचानें और अपनी ज़िंदगी को बेमकसद और गफलत की नज़र ना करें। हर हाल में अल्लाह की मदद पर यकीन रखें और वसवसे व मायूसी से बचें। रोज़ाना अपने ज़मीर की अदालत में अपना एहतसाब करें। ख़ास तौर पर रात को बिस्तर पर लेटें तो थोड़ी देर के लिए अपना मुहासबा कर लिया करें कि पूरे दिन में क्या किया। ज़िंदगी के हर मामले में इंसाफ करें। वक्त, मेहनत, तालीम, फ़राइज़, इबादात, मामलात, गर्ज़, हर हक जो मुसलमानों पर लागू होता है उसमें इंसाफ करें। तारीख़ इस्लाम में जो बड़े लोग गुज़रे हैं उन्हें अपना आइडियल बनाएं।
नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस सबसे बड़ी आइडियल है और दीगर सलफ़े सालिहीन की ज़िंदगी को अपना नमूना बनाएं। आज के दौर में जो खराफात चल पड़ी हैं और मीडिया के नाम पर हमारे ऊपर हिंदवाना और मगरबी मूवीज़ और ड्रामों की बौछार है, उनसे बचें। आज के नौजवानों से आइडियल का पूछें तो वो किसी फिल्मी अदाकार का नाम लेगा, किसी हॉलीवुड के अदाकार का नाम लेगा। खुदारा अपना किबला दुरुस्त करें। हमारे लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़िंदगी नमूना है और वही हमारे आइडियल हैं। प्यारे दोस्तों, अपने इर्द गिर्द की दुनिया, उसमें पाए जाने वाले इसरार और रमूज, हकायक पर गौर व फिक्र करें ताकि अल्लाह की कुदरत कामला आप पर आश्कार हो। और तफक्कर और तदब्बुर की दावत अल्लाह ताला बार बार कुरान पाक में दे रहा है। अपना अमल अपने कौल के मुताबिक करें, कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। झूठ से बचें, हमेशा सच बोलें। इसके अलावा तबलीग करें, पढ़ाई न छोड़ें, बल्कि तबलीग दीन के लिए इल्मी फिक्री सलाहियतें बढ़ाना अहम मकासद में से है। आपके पास इल्म होगा तो ही आप तबलीग कर सकेंगे। इसके साथ अपना उसलूब बयान बेहतर करें। नीज़ आपकी तबलीग में दलाइल, सबूत और पुख्तगी होनी चाहिए। फुर्सत के अवकात में अपने घरों में मजालिस का एहतमाम करें जिसमें अकरबा दोस्तों से हालात हाजरा के मौजूआत को ज़ेरे बहस लाएं। शोहरत हासिल करने और अमीर बनने की मनसूबा बंदी ना करें, बल्कि अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान बने, कामयाब आप खुद हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आपके जो भी मसाइल हों, खा तालीमी, नज़रियाती, माशरती, इक्तसादी या सियासी, उन्हें दीन इस्लाम की रोशनी में हल करने की कोशिश करें। प्यारे दोस्तों, मौजूदा दौर मीडिया का दौर है, इसके ज़रिए दीन की दावत और नशरो इशात पर तवज्जो दें और लगवियात से इज्तनाब बरत कर वक्त और नफ्स की हिफाजत करें। आज़ादी के नाम पर बेहयाई से बचें। न दीन इस्लाम में ऐसी आज़ादी की गुंजाइश है और ना ऐसी बेहयाई को इंसानी ज़मीर कबूल करता है। हाँ, जो लोग बेज़मीर हो जाते हैं वो इस बेहयाई के रास्ते पर चलते हैं। हमेशा पाक दामनी और हया का रास्ता इख्तियार करें। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि उम्मत मुसलमा एक वहदत है। उसे झंडों, फ़िरकों, ज़ात, लसानियत, सकाफ़त, हद बंदियों में तकसीम ना समझें, बल्कि आपस में मोहब्बत करें, नेक अमल करें और दूसरों को भी उसकी तरगीब दें। क्योंकि एक हदीस सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों को राह हिदायत की तरफ बुलाता है उसके लिए इतना सवाब है जितना उस पर अमल करने वाले को मिलता है, और इससे उनके अजर व सवाब में कमी नहीं होती। प्यारे दोस्तों, आज की हज़रत लुकमान हकीम की नसीहतों को, जो कुरानी नसीहतें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी एक इंसान की भी ज़िंदगी बदल गई तो आपकी निजात के लिए ये काफ़ी होगा इंशाल्लाह। प्यारे दोस्तों, यहाँ तक तो नसीहतों का सिलसिला था जो सूरह लुकमान में हज़रत लुकमान हकीम के हवाले से बयान हुई हैं। आइए अब आपको सूरह लुकमान के बारे में बताते हैं कि इस सूरत का शान नज़ूल क्या है, और मुख्तसरन आपको इस सूरत की तफसीर भी बताते हैं। याद रहे कि इस सूरत का नाम लुकमान है क्योंकि इस सूरत की एक आयत में लुकमान का जिक्र है, और इस सूरत में लुकमान की अपने बेटे को नसीहतें और उसका किस्सा बयान किया गया है। जिस आयत में लुकमान का जिक्र है वो ये है, और बेशक हमने लुकमान को हिकमत अता की थी कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, और जो शख्स शुक्र अदा करता है तो वो सिर्फ अपने नफ्स के फ़ायदे के लिए शुक्र अदा करता है, और जो नाशुक्री करता है तो बेशक अल्लाह बेनियाज है, हम्द किया हुआ है। प्यारे दोस्तों, इस सूरत के नज़ूल का सबब यह है कि मुशरकीन कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया था कि वो उनको लुकमान और उसके बेटे के मुतालिक बताएं, तो फिर अल्लाह ताला ने यह सूरत नाजिल कर दी। जहाँ तक बात है सूरह लुकमान के ज़माने नज़ूल की, तो इस हवाले से हाफिज़ जलालुद्दीन सय्यूती लिखते हैं कि अन्नहास ने अपनी तारीख में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि सूरह लुकमान मक्का में नाजिल हुई, माँ सवा तीन आयतों के जो मदीना में नाजिल हुई। इसके अलावा इमाम इब्ने मर्दोया और इमाम बहकी ने दलाइल उन्नबवा में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि सूरह लुकमान मक्का में नाजिल हुई है। इस तरह हज़रत बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पीछे जोहर की नमाज पढ़ते थे और लुकमान और ज़ारियात से सूरत के बाद दूसरी सूरत सुनते थे। इन रिवायात से ये मालूम होता है कि सूरह लुकमान मक्का में नाजिल हुई। अलबत्ता जिन तीन आयतों के मुतल्लिक ये कहा गया है कि वो मदीना में नाजिल हुई हैं,
उनके मदीना में नाजिल होने की रिवायात ज़ईफ़ हैं। कहा जाता है कि सूरह अनकबूत और सूरह लुकमान दोनों के नज़ूल का ज़माना तकरीबन एक है। जब नए इस्लाम लाने वाले नौजवानों को उनके वालदैन इस्लाम को छोड़ने पर मजबूर करते थे और इस मौके पर ऐसी आयात नाजिल हुई कि माँ बाप की खिदमत और इताअत ज़रूरी है, लेकिन शिर्क और अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानी करने में उनकी इताअत नहीं की जाएगी। आपको बताते चलें कि तरतीब मसफ़ के एतबार से सूरह लुकमान का नंबर 31वां है और तरतीब नज़ूल के एतबार से इसका नंबर 57 है। यह सूरत सूरह साफ़ात के बाद और सूरह सबा से पहले नाजिल हुई है। याद रहे कि इस सूरत को सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के दायमी मौजज़ा से शुरू किया गया है और वो कुरान मजीद है जो अल्लाह ताला की हिदायत का दस्तूर है, और ये बयान फरमाया कि कुरान मजीद के मुतालिक लोगों के मुख्तलिफ ग्रोह हो गए। मोमिनीन ने कुरान मजीद की तस्दीक की और वो जन्नत के मुस्तहिक करार पाए, और कुफार ने कुरान मजीद के साथ इस्तेहज़ा किया और उसका इनकार किया और अपनी जहालत और तकब्बुर से गुमराही का रास्ता इख्तियार किया और दायमी दर्दनाक अजाब के मुस्तहिक हो गए। फिर अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद और कुदरत पर दलाइल कायम किए और उसके बाद लुकमान हकीम का किस्सा बयान फरमाया कि उसने अपने बेटे को क्या नसीहतें की थीं और उससे मकसूद लोगों को हिदायत देना थी कि वो शिरक को छोड़ दें, माँ बाप के साथ नेकी करें और हर किस्म के सगीरा और कबीरा गुनाह से बचें और नमाज कायम करें और नेकी का हुक्म दें और बुराई से मना करें, तवाज़ो और इनकसार को इख्तियार करें और तकब्बुर ना करें, ज़मीन पर नरमी और आहिस्तगी से चलें और अपनी आवाज़ें पस्त रखें। इन नसीहतों की तफसील आप मुलाहिजा कर चुके हैं। इसके बाद उन मुशरिकीन की मजम्मत की जो शिर्क पर इसरार करते थे और तौहीद के दलाइल का मुशाहिदा करने के बावजूद अल्लाह ताला को वाहिद नहीं मानते थे और अपने आबाओ अजदाद की तकलीद पर जमे हुए थे और अल्लाह ताला की गैर मुतनाही नेमतों की नाशुक्री करते थे, और उनको ये खबर दी कि नजात का तरीका सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला के सामने सरे इताअत को झुका दिया जाए और नेक अमाल अंजाम दिए जाएं। और मुशरिकीन के अकायद का तजाद बयान फरमाया कि वो इकरार करते हैं कि तमाम चीज़ों का पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह बुजुर्ग बरतर है, इसके बावजूद वो अल्लाह ताला की इबादत में दूसरों को शरीक करते हैं, हालांकि अल्लाह ताला तमाम आसमानों और ज़मीनों का मालिक है और सब उसके ममलूक और ग़ुलाम हैं, और उसका इल्म हर चीज़ को मुहित है और तमाम इंसानों को पैदा करना है। इसके लिए सिर्फ़ एक इंसान को पैदा करने के मानिंद है, वही कादर मुतलक है और कोई चीज़ उसको आजिज़ करने वाली नहीं है। और इन मुशरिकीन का हाल ये है कि सख्ती और मुसीबत में वो उसी के आगे गिड़गड़ाते हैं और सख्ती दूर होने के बाद उसको यकसर भूल जाते हैं। फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और तौहीद पर मज़ीद दलाइल कायम किए कि वो रात और दिन को एक दूसरे के बाद वारिद करता है और उसने सूरज और चांद को मुसख़र किया है और समंदरों में कश्तियों को रवा दवा रखा है और इस सूरत को तकवा के हुक्म पर ख़त्म किया है और क़यामत के अजाब से डराया गया, और ये बताया कि गयूब हमसा का ज़ाती इल्म अल्लाह ताला के साथ मुख्तस है और इसका इल्म तमाम कायनात को मुहीत है और वो हर चीज़ की खबर रखने वाला है। प्यारे दोस्तों, ये था सूरत लुकमान का मुख्तसर सा तारुफ और ख़ुलासा। इस सूरत की मुकम्मल तफसीर चूँकि काफ़ी लंबी है, इसलिए मुकम्मल तफसीर आज की वीडियो में शामिल नहीं की जा रही। अलबत्ता यहाँ पर सूरह लुकमान की सूरत रूम के साथ मुनासबत का तذکرہ करते हैं, इसका समझना आपके लिए अहम है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, सूरह रूम की आखिरी आयतों में से ये आयत है, हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर किस्म की मिसाल बयान की है। और सूरह लुकमान की इब्तदाई आयतें ये हैं, अलिफ लाम मीम, ये किताब हकीम की आयतें हैं, ये किताब नेकी करने वालों के लिए हिदायत और रहमत है। इस तरह सूरह रूम का आखिर और सूरह लुकमान का अव्वल दोनों कुरान मजीद की सिफात के बयान में है। इसी तरह इन दोनों सूरतों में फरमाया कि मुशरिकीन मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश किए हुए दलाइल और मौजज़ात से असर कबूल नहीं करते और इनसे आराज़ करते हैं। सूरह रूम में फरमाया, और अगर आप उनके पास कोई नया मौजज़ा लेकर आएं तो ये कुफार ज़रूर ये कह देंगे कि आप तो सिर्फ झूठे और जादू करने वाले हैं। और सूरह लुकमान में फरमाया, और जब उसके ऊपर हमारी आयतें तिलावत की जाती हैं तो वो तकब्बुर करता हुआ पीठ फेर लेता है।
प्यारे दोस्तों, इसके अलावा इन दोनों सूरतों में अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया है कि जब मुशरिकीन पर कोई मुसीबत आती है तो वो इखलास के साथ गिड़गड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, और जब उनसे वो मुसीबत टल जाती है तो वो फिर अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। सूरह रूम में फरमाया, और जब इंसान पर कोई मुसीबत आती है तो वो अपने रब की तरफ रजू करके दुआएं करता है, फिर जब अल्लाह उसको अपनी रहमत चखाता है तो उनमें से एक फरीक अपने रब के साथ शिर्क करने लगता है। और सूरह लुकमान में फरमाया, और जब समंदर की मौजें उन पर साहिबानों की तरह छा जाती हैं तो ये इखलास के साथ अल्लाह को मानते हुए उससे दुआ करते हैं, फिर जब अल्लाह उनको खुश्की की तरफ पहुंचा देता है तो उनमें से बाज मोतदिल रहते हैं, और हमारी आयतों का इनकार सिर्फ वही लोग करते हैं जो अहद शिकन और बहुत नाशुक्रे हैं। इसी तरह इन दोनों सूरतों में फरमाया, इंसानों को दोबारा पैदा करना अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है, और वही है जिसने इब्तदा मखलूक को पैदा किया फिर उसको दोबारा पैदा फरमाएगा, और ये उस पर बहुत आसान है। और सूरह लुकमान में फरमाया, तुम सबको पैदा करना और तुम सबको दोबारा जिंदा करना उसके नज़दीक सिर्फ एक शख्स को जिंदा करने के मानिंद है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कुछ मौजूआत का तज़करा बार बार फरमाया है, और जिस मौजू का तज़करा जितना ज़्यादा हुआ है ये उस मौजू की अहमियत की दलालत करता है। मिसाल के तौर पर नमाज ही को ले लें तो नमाज का जिक्र अल्लाह ताला ने तकरीबन 700 मरतबा फरमाया है, और नमाज का बार बार तज़करा और उसका बार बार हुक्म देना इस बात की दलील है कि नमाज की अल्लाह के यहाँ ख़ास अहमियत है। जितना ज़्यादा कोई बात अहम होती है उतना ही ज़्यादा उसका तज़करा किया जाता है। प्यारे दोस्तों, आखिर में आपको हकीम लुकमान के बारे में एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं। मारफ मसनवी नामी किताब में ये वाक़या यूं नकल किया गया है कि हकीम लुकमान के एक अमीर दोस्त ने कहीं से तरबूज मंगवाए। वो हकीम लुकमान को बहुत पसंद करता था, इसलिए उसने हकीम लुकमान को बुलाया और तरबूज की काशें खिलानी शुरू कर दीं। हकीम लुकमान बड़े मज़े से वो खाते रहे और शुक्रिया अदा करते रहे। जब एक हिस्सा तरबूज रह गया तो उस अमीर आदमी ने कहा कि अब मैं भी तो खाकर देखूं कि यह कितना मीठा है जो आप बहुत खुश होकर खा रहे हैं। जब उसने तरबूज खाया तो वो इंतहाई कड़वा था और खाना तकरीबन नामुमकिन था। उसने हैरत से पूछा कि ए लुकमान, आप ये कैसे खा रहे थे? उन्होंने जवाब दिया, ए दोस्त, आपके हाथों से सैकड़ों अच्छी चीज़ें पाई हैं जिनके शुक्राने से मेरी कमर झुकी हुई है। मुझे शर्म आई कि वो हाथ जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ें इनायत करता था, अगर इसे एक दिन कोई कड़वी चीज़ मिले तो मैं उससे इनकार कर दूं। ए दोस्त, इस बात के लुत्फ़ ने कि ये तरबूज आपके हाथों से आया है उसने इसकी कड़वाहट को मिठास में बदल दिया है। दोस्तों, इस बात से ये सबक मिलता है कि अल्लाह ने इंसान पर बेशुमार नेमतें नाजिल की हैं, चुनाचे अगर इंसान को कुछ तकलीफ़ मिले तो फौरन नाशुकरा बनकर शिकायत नहीं करना चाहिए, लेकिन अफसोस के बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं जो शुक्र अदा करते हैं। ख़ास तौर पर औरतें नाशुक्री होती हैं, उन्हें भी इस वाक़े से सबक हासिल करने की ज़रूरत है, और अल्लाह ताला की एहसान करने वालों की नाशुक्री से बचना चाहिए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि ये वीडियो हर नौजवान तक पहुँच जाए, और इस वीडियो में नौजवानों के लिए जो पैगाम हैं वो इन पर अमल करने वाले बन जाएं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।